अपना परिचय देते हुए बताएं चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है और क्या ऐसा आपको महसूस हुआ जिसके कारण चुनावी रण में आ पाए हैं। पहले पहले मैं जनता को धन्यवाद करता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। उद्देश्य मेरा ये है कि अब तक जितने जिला पंचायत हुए, जब चुनाव चालू हो जाता है तो बहुत से वादे करते हैं, जैसे होते हैं बरसाती मेढक, समय आता है बारिश का तो मेढक फटफटाने लगते हैं, और जब बीत जाता है चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं, कभी जनता से दर्शन नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जीत जाऊँ, जनता का सहयोग रहेगा। इसके बाद मैं जो सोचा हूँ, हर घर घर से मैं लगाव रखूँगा, उनका सेवा भी करूँगा, हर दुख सुख में सहभागी रहूँगा। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जिला पंचायत जीतने के बाद उनका कार वाहन कैसा होता है, और सारी तमाम बातें हैं ऐसे जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ। अभी तक आपके विपक्ष में कितने लोग हैं? अभी तक हमारे विपक्ष में 4 प्रत्याशी हैं। जीतने की किसकी उम्मीद है? जीतने की तो भाई सब जनता करेंगी, सपा जैसे अरुण कुमार हम प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह मेरा आरी है, जीतेंगे और बहुत अधिक वोटों से। और मैं इस विश्वास से कहता हूँ, मेरी मेहनत भी ऐसी है कि लोग जनता में जाता हूँ मैं, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं लोग कि भाई आपका मेहनत सफल रहेगा। अभी आपके सपा पार्टी से कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके सहयोग में आपके साथ घूम रहा है, कोई राजनेता वगैरह जिसका सहयोग मिल रहा है आपको? जैसे हमारे साथ तो सारी जनता है, नारी पंदेवना की उनके बहुत आभारी हैं, अरे इन नेता लोगों की, सभी सपा के जितने सदस्य हैं, जैसे विधायक हो गए, सभी लोग मिले हैं हमारे साथ। सपा के विधायक का नाम बता दें। जैसे हमारे 7 विधायक हैं, सभी लोग लगे हैं, इसमें सबसे अधिक भूमिका है अंकित भाती, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय किशन साहू जी हैं, उनका अभिनंदन भी बाबू जी हैं, और ओम प्रकाश बाबू जी हैं। आपके पैरों में चोट लगी है कैसे? सर चुनावी माहौल था, उसमें प्रचार प्रसार चल रहा था, उसी भाग दौड़ में मैं फिसल गया, उसमें चोट आ गई। तो चोट के कारण तो आपका चुनाव प्रभावित हो सकता है, अब कैसे चुनाव लड़ेंगे, फील्ड में जाने में दिक्कत हो रही है? देखिए एक उदाहरण है ममता बनर्जी जी का, वो भी दोनों पैर का अथवा था बैसाखी पर प्रचार किए, बाकी उनके साथ जनता लगी थी, तो जनता का सहयोग है तो मैं जीत सकता हूँ। तो क्या आप अपनी तुलना जो है ममता बनर्जी से कर रहे हैं? तुलना नहीं कर रहा मैं उनकी क्या बोलते हैं उदाहरण पर चल रहा हूँ।